अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन इम्प्लांट्स का जो एक पार्ट है बेबी टेल प्रोपेगेशन, जो तीन तरह से होता है, स्टेम के द्वारा होता है, रूट के द्वारा होता है और लीफ के द्वारा होता है। स्टेम के द्वारा जो बेबी टेल प्रोपेगेशन होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं हम लोगों को। अब नेक्स्ट है कि जो बेबी टेल प्रोपेगेशन है वो रूट के द्वारा कैसे होता है। ये हमने आपको बताया था कि बेबी टेल प्रोपेगेशन में जब पौधा बीज से न होकर के पौधे के अन्य किसी भाग से उत्पन्न हो जाए तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, चाहे वो जड़ से हो या तना से हो या पत्ती से हो। तो आज हम आपको जड़ के द्वारा कैसे होता है, आप जड़ के द्वारा अगर आप देखें तो आप सबने शकरकंद का नाम सुना होगा। शकरकंद इसे हम लोग सब लोग यूज करते हैं, खाते हैं। और एक और है जो शीशम की लकड़ी, शीशम देखा होगा आप लोगों ने, शीशम है, इसको डलबड़ी के शीशु कहते हैं। और शकरकंद इसको हम आइकोमिया बटाटा कहते हैं। ये दोनों में ही जड़ के द्वारा वेजिटेबल प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेबल प्रोपेगेशन होता है जड़ के द्वारा। जैसे ये एक शकरकंद है, इससे एक लेटर रॉड निकलती है और वो लेटर रॉड निकल के उसको बाद में एक नए पौधे को जन्म देती है। इस वाले बर्ड्स को हम रेडिकल बर्ड कहते हैं। तो इस रेडिकल बर्ड्स में रूट्स निकल आती हैं और लीव्स निकल आती हैं, तो एक नए पौधे को जन्म देता है। इसके बाद दूसरा है लीफ, पत्ती के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो आपने एक अजूबा नाम सुना होगा, अजूबा कहते हैं इसको, अजूबा भी कहते हैं, कुछ उसको पत्थर चटा भी कहते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम है ब्रायोफिलम कहते हैं इसको, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम है एक एग्जांपल, इसका बिगनोनिया भी है। इसमें क्या होता है, इसकी पत्ती थोड़ा मोटी मांसल होती है, फ्लैसी होती है। और पत्ती पर जब ये जो फूलिया वर्ष होते हैं यहाँ से रूट्स निकल आती हैं और ये लीव्स निकल आती हैं। तो यहाँ से एक पत्ती जैसे ही ग्राउंड में गिरती है टूट के, तो जैसे उस पर जरा सा भी सॉइल कवर होता है तो वहाँ से एक नया पौधा जन्म लेता है। तो पत्ती के द्वारा जो बेबी टेल प्रोडक्शन होता है वो ब्रायोफिला में होता है, बिगनोनिया में होता है। तो इस तरह से हम ए सेक्स प्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसके हम लोगों ने तीन तरह से पढ़े, बाय स्टेम, बाय रूट्स एंड बाय लीफ। हम अगले वीडियो में आपको बता रहे हैं कि अगर हम किसी पौधे, ये तो ये सारे के सारे कृत्रिम हैं, ये जितनी भी विधियाँ हैं इसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ये नेचुरल मेथड्स हैं, इन्हें प्राकृतिक विधियाँ कह सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इनको हम कृत्रिम रूप से कैसे कर सकते हैं, कृत्रिम विधियाँ ऐसी क्या हैं वेजिटेबल प्रोपेगेशन की, कृत्रिम विधियों के द्वारा हम इसको कैसे पौधों को हम उगा सकते हैं। वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंतर्गत जो वेजिटेबल प्रोपेगेशन है उसकी जो प्राकृतिक विधियाँ थी या नेचुरल मेथड सी वो हमने आपको बताई थी, बाय स्टेम, रूट्स एंड लीफ। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं उसमें एक कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है और माइक्रो प्रोपेगेशन है। इनको एक करके आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इसको समझिए। कटिंग में क्या करते हैं, कोई एक स्टेम लेते हैं और जिसमें ये नोड्स हैं और इस तरह से इसको स्लैंटली काटते हैं कि इसका मैक्सिमम टिश्यू का भाग एक्सपोज हो जाए। और उसको हम सबसे पहले उसमें काटने के बाद किसी फाइटो हार्मोन में डिप करते हैं। डिप करने के बाद उसको जमीन में हम डाल देते हैं
उससे जो है लेडी रूट्स और ये एडवेंट टिश्यूज निकल आती हैं और उससे एक नया पौधा बन जाता है। तो क्या किया, सबसे पहले कट किया, कट करके स्लाइम भी काटते हैं और कटने के बाद उसको फाइटो हार्मोन जैसे ऑक्सीजन वगैरह में हमको डिप करते हैं। डिप करने के बाद फिर उसको हम जमीन में डालते हैं तो वहाँ से रेडियल रूट्स और ये एडवेंट टिश्यू रूट निकल आती हैं और एक नया पौधा से बन जाता है। दूसरी विधि है लेयरिंग। लेयरिंग दो प्रकार की होती है, एक ग्राउंड लेयरिंग एक एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयर में क्या करते हैं, जैसे जैसे चमेली का पौधा होता है तो ये रूट्स हैं और ये स्टेम है, इसका कोई एक स्टेम बेंड हो जाता है और जमीन से टच करने लगता है, तो जो जमीन को छूता है वहाँ हम इसको सॉइल से कवर कर देते हैं। सॉइल से कवर कर देंगे तो यहाँ पर रूट्स निकल आती हैं और यहाँ पर शूट्स। सॉइल से कवर करने में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ हम सॉइल से ढक रहे हैं वहाँ पर नोड्स होना चाहिए, और यहाँ से कवर करते हैं तो नया पौधा ये प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये ग्राउंड लेयर से एक नया पौधा बन जाता है। दूसरा इसका एयर लेयरिंग है, जिसको हम गूटी भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी एक पौधे का एक तने में हम ऊपर के टिश्यू निकाल देते हैं जिससे कि अंदर वाले टिश्यू जो है एक्सपोज है, उस टिश्यू को हम सॉइल से कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं तो कुछ में जो है ड्राई निकल आती है और बाद में उसको हम कट कर देते हैं। यहाँ से कट करने के बाद इसको जब लगा देते हैं तो एक नया पौधा तैयार है। इस तरह से ये ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग की इसकी विधि है। तीसरी इसकी जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इन चारों मेथड्स में एकमात्र ग्राफ्टिंग ही एक ऐसी विधि है जिसमें दो कैरेक्टर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, इस ना तो उसमें कर सकते हैं ना इसमें और ना माइक्रोप्रोगस में, केवल ग्राफ्टिंग में हम दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा पौधा है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है और कम पानी में भी हो सकता है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, और एक पौधा ऐसा है जो इसको जो बहुत सोफिस्टिकेट है, डेलीकेट है, तो दोनों को हम एक कैरेक्टर से मिला देते हैं तो हमें अच्छी वैरायटी प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, हम ग्राफ्टिंग में एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो जंगली, इसका एग्जाम्पल रोज़ है, जंगली गुलाब का हमने जो है जो रूट सिस्टम लिया उसका, इससे कम पानी में वो तेज़ी से बढ़े और उसको स्लैंडिंग कट कर दिया उसके ऊपर सूट को। और दूसरा जो ऑर्नामेंटल प्लांट है और ऑर्नामेंटल रोज़ है उसको हमने इसको कट करके इसको हमने ऐड कर दिया और इसको जो है कवर कर दिया, मॉइस्चर प्रोवाइड किया, तो हम उस समय देखते हैं कि इसको ये नया पौधा तैयार हो जाएगा और ये जो पौधा होगा वो दो डिफरेंट कैरेक्टर वाला होगा, इसमें दोनों पौधों के सम्मिलित लक्षण आएंगे। तो स्टॉक किसी का लेते हैं और सियान किसी का, ये दोनों अलग अलग लेते हैं, एक डिफरेंट पौधे का और दूसरा डिफरेंट पौधे का। तो इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग है उसको हम टर्न ग्राफ्टिंग कहते हैं। दूसरे प्रकार की बेस ग्राफ्टिंग क्या करते हैं, जब दोनों के तनों का डायमीटर डिफरेंस अलग अलग हो तो क्या करते हैं, इसके तने में से एक छोटा सा कट लगाते हैं और कट लगाने पर उसके जो दूसरा पौधा इस पर हमें ग्राफ करना है उसको इस कट में स्लाइटली फिट कर देते हैं और इस कुछ समय बाद इससे फिट एक ये नया पौधा प्राप्त जरूर हो जाता है। तीसरे प्रकार की ग्राउंड ग्राफ्टिंग, इसमें यदि तने की जरूरत बहुत ज़्यादा है तो उसमें छोटे छोटे कट का तीन चार कट लगा लेते हैं और उसमें अलग अलग प्लांट आरोप कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि एक उससे कई पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ग्राफ्टिंग जो है तीन प्रकार की होती है, टर्न ग्राफ्टिंग, बेल ग्राफ्टिंग एंड क्राउन ग्राफ्टिंग। और चौथे नंबर का चौथा जो इसका मेथड है इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं या इसको टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें क्या करते हैं हम कि चाहे लीफ का है, चाहे स्टेम का है, रूट किसी का भी सेल लेते हैं या टिश्यू लेते हैं और उसको एक आर्टिफिशियल कल्चर में, कल्चर मीडियम में इसको हम ग्रो करने देते हैं। तो ग्रो करने पर वो पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अब ग्रो करने के लिए हम इसका वेजिटेटिव पार्ट भी ले सकते हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट कोई भी ले सकते हैं, वो दोनों लेकर के उसको ग्रो कराएंगे तो बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होती है और नया पौधा प्राप्त होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थैंक यू।
थैंक्स।